अगर आप अब्रॉड हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन या बस, सो प्लीज टिकट के साथ साथ एक शर्म की टिकट भी लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ धक्का मुक्की नहीं, एटिकेट चाहिए। गेट रेडी टू लीव योर इंडियन स्वैग एट होम एंड लर्न हाउ टू ट्रेवल लाइक ए विदेशी माइनस द जुगाड़। My friends, watch this video till the end so you know what not to do in a public transport overseas. Starting with our famous thing, queue breaker nahi, line maker banna hai. India ke legendary front of the line ninja honge, kyunki bahar queue todna nahi, line mein lagna hi Indian culture hai. You should imagine कि आप अपनी टर्न का सबसे पहले वेट कर रहे हो और सडनली आपके हाथ में गोल्ड मेडल आ जाता है। So next time line में लगना is the VIP new entry. One more thing, कोई फायदा भी नहीं है क्यू ब्रेक करने का, क्योंकि आपको वापस भेज दिया जाएगा, that too with a tagline bloody Indian. Moving to our next point is respecting personal space. तंदूरी नहीं, तनकी दूरी बनानी है। क्लोज एनकाउंटर सिर्फ साईफाई मूवी में ही अच्छे लगते हैं, यहाँ पे लोग पर्सनल स्पेस को एक अपनी लक्ष्मण रेखा की तरह ट्रीट करते हैं। थोड़ा स्पेस बनाओ, समझने वाले समझ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम यू ट्रेवल इन ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जस्ट रिमेम्बर दैट देयर मे बी एन इनविजिबल बोर्ड सेइंग दिस इज माय लिमिट एंड डू नॉट क्रॉस दिस। आई नो हमारी गलती नहीं है, हमें चिपक के खड़े होने की आदत ही बनी हुई है, जस्ट बिकॉज इंडिया इज ओवरक्राउडेड और वहां पे भीड़ इतनी है, सो वी फील लाइक इट्स नॉर्मल, बट यहाँ पे लोगों को आदत नहीं है। अगर आप किसी के ज्यादा पास खड़े हैं, सो दैट पर्सन मे गेट अनकंफर्टेबल एंड मे फील लाइक इंटिमिडेटेड। सो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे लोगों को ऐसी भीड़ भाड़ की आदत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड टॉकिंग टू लाउड ऑन द फोन और विद समवन, स्पेशली इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज। यहाँ लोग डॉल्बी सराउंड साउंड नहीं, शांति पसंद करते हैं। सो व्हाइल टॉकिंग ओवर द फोन जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट लाउडस्पीकर मोड। और हाँ, अगर बहुत जरूरी है बात करनी तो अपने खतरनाक वीकेंड के प्लान्स हेडफोन में ही डिस्कस करें प्लीज। एंड वन मोर थिंग अगेन, प्लीज बी एक्स्ट्रा कॉशियस व्हाइल टॉकिंग टू योर फ्रेंड और ऑन फोन इन योर नेटिव लैंग्वेज। इमेजिन मैं इंडिया में हूँ इन चेन्नई, जहाँ पे लोगों को पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती, और मैं लगा हुआ हूँ स्ट्रीट पे तेज तेज पंजाबी लैंग्वेज में बात करने में, या तो फोन पे या दोस्तों में, पीपल विल गेट अनॉयड। एंड सिमिलरली अगर एक तमिलियन दिल्ली में लगा हुआ है तमिल भाषा में बात करने में, एंड पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, दे विल फील ऑफेंडेड। दैट्स द सेम केस हियर एज वेल। अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हो और हिंदी में तेज तेज बात कर रहे हो, तो लोगों को लगेगा आप उनके बारे में बात कर रहे हो, आप उनकी बुराई कर रहे हो, एंड दिस थिंग हैपेंस अ लॉट। सो दैट्स व्हाई प्लीज बी एक्स्ट्रा कॉशियस। और अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इंग्लिश आती है, सो व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस एंड स्पीक इन दैट सेम लैंग्वेज, सो दैट एवरीवन फील्स इंक्लूडेड एंड नॉट लेफ्ट आउट। This brings to our next point, which is personal hygiene and smelling good. To impress, stay fresh. यहाँ पे लोग हमारे करी का स्वाद प्लेट में पसंद करते हैं, ना कि हमारे कपड़ों में। So please, body odor and bad breath का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ देसी मसाले नहीं, फ्रेश मिंट चाहिए। और प्लीज परफ्यूम लगाओ, बट इतना भी मत लगाओ कि सामने वाले बंदे को माइग्रेन ही हो जाए। बस एकदम फ्रेश रहो, सो दैट लोग भी कहेंगे वाह, व्हाट अ फ्रेग्रेंस विदाउट द हेडेक। वैसे इफ यू वांट टू नो मोर टिप्स अबाउट हाउ नॉट टू स्मेल लाइक करी, वॉच माय अनदर वीडियो एज वेल। ओके, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, स्टिकिंग टू योर करेक्ट लेन व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। बी सेफ, बी स्मार्ट एंड बी सीन। हर कंट्री का अपना लेफ्ट या राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, यूके एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लोग लेफ्ट साइड पे चलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एज वेल। जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक है, वैसे ही यहाँ पे पेडेस्ट्रियन पे लोग चलते हैं। बट कंट्रीज लाइक इन यूरोप और यूएस, पीपल वॉक ऑपोजिट, लाइक राइट साइड पे चलेंगे। तो जब भी आप ओवरसीज आओ, प्लीज इस चीज का ध्यान रखो ऑन व्हाट साइड पीपल आर वॉकिंग, अदरवाइज आप उनसे बम्प ही होते रहोगे। और हाँ, अगर कोई ड्राइवर आपको रोड किंग बनने का मौका दे रहा है व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, सो प्लीज यू हैव टू वॉक क्विकली, नॉट लाइक अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, फोन पे चेकआउट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज पेडेस्ट्रियंस को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है। बट यू हैव टू बी फास्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट प्ले पीपिंग टॉम इनटू समवनस फोन।
ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कोई अपने फोन के साथ है, प्लीज डोंट पीप इनटू समवनस फोन, इट्स कंसीडर्ड वेरी बैड। किसी के फोन में झांकना प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन नहीं, बदतमीजी कहलाई जाती है। हम सब क्यूरियस हो जाते हैं और नजर पड़ जाती है कि अगला बंदा क्या देख रहा है, बट दूसरों के फोन में नजर डालने से अच्छा है व्हाई नॉट टू माइंड आवर ओन बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज कंसीडर्ड वेरी रूड टू पॉइंट फिंगर्स एट द पीपल। इन मेनी कंट्रीज पॉइंटिंग आउट एट समवन इज कंसीडर्ड वेरी रूड। इंस्टेड थोड़ा सा कोड लैंग्वेज में बात करो। आई नो वी ऑल टॉक अबाउट अदर पीपल इन पब्लिक, यार उसको देख इसको देख, बट पर्सनली मैं कोड लैंग्वेज यूज करता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, इफ समवन इज सिटिंग एट माई राइट साइड, आई से लुक एट 3 PM or look at 9 PM. These code languages always help. Direct point out करने पे लोगों को समझ आता है कि आप उनके बारे में बात कर रहे हो and they may feel offended. Subtly point out करो and let your inner spy do the talking. Okay, next point is very sensitive, especially for Indian man. Do not scratch your scrotch in public. That means do not scratch your private parts in public. पब्लिक में अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्राइवेट ही रखो। स्क्रैचिंग या इचिंग हो रही है तो प्लीज ये काम प्राइवेट में ही करो, नॉट इन पब्लिक, स्पेशली इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। समझो ये कोई देसी अड्डा नहीं है जहां पे शुरू हो गए हो। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस हैबिट। अगर आपको और टिप्स चाहिए इस टॉपिक पे, सो प्लीज डू वॉच माई दिस वीडियो, वहां पे और डिटेल में सीखने को मिलेगा। नाउ कम्स टू आवर लास्ट पॉइंट विच इज माइंड योर ईटिंग हैबिट्स। While eating in public, you should also carry one another plate which is called manners plate. खाना खाओ पर प्लीज अपना मुंह बंद करके खाओ, शोर ना मचा के खाओ, क्रॉकरीज की आवाज नहीं करनी है और बिना देसी मसाले की खुशबू का खाना ही बेस्ट है। सो नेक्स्ट टाइम अपनी ईटिंग हैबिट्स को अपग्रेड करो। सो माय फ्रेंड्स, जब भी आप ओवरसीज ट्रेवल करें, प्लीज याद रखें, लिटर ना करें, अच्छे से बात करें, अच्छे से स्मेल करें एंड ड्रेस अप प्रॉपरली। एंड अगेन, दूसरों के फोन पे झांकने से अच्छा है वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। अगर ये पॉइंट्स डाइजेस्ट हो गए हैं, सो प्लीज डू चेक आउट माय अदर एटिकेट वीडियोस, जिम एटिकेट, बीच एटिकेट और पब्लिक एटिकेट एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड यू विल बिकम द बेस्ट वेल मैनर्ड पर्सन अब्रॉड फ्रॉम इंडिया। चलते रहो, सीखते रहो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।